मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संबंध प्रभार ने सुबह समाज सेवी संस्था के पंजीकृत कोरोना वॉलेंटियर लगातार जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव व जिला समन्वयक के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। कन्या शिक्षा परिषद में बनाए गए कोरोना सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों ने उनकी सेहत की चिंता कर उन्हें जल्द स्वस्थ होने के लिए उन्हें प्रतिदिन भाप दिलाने का संकल्प लेकर उन्हें जल्द स्वस्थ होने के लिए उनकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। वही पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर लगातार कोरोना से देश को बचाने के लिए रोको टोको अभियान, बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क देकर उन्हें मास्क लगाने की समझाइश दी जा रही है तथा बिना अति आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकलने की सलाह भी दी जा रही है। और शहर में प्रमुख चौराहे के रोड जो है वहां पर कोरोना के जागरूकता स्लोगन लिख कर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जन जागरूकता व गतिविधियां आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से वॉलेंटियर ब्रजेश सिंह तिवारी, अमित दत्ता, संजय साहू, रवि प्रेम चंद्रानी और आकाश पांडे, धीरज अग्रवाल, नमन गुप्ता, पुष्पेंद्र सिंह, पीयूष चौबे, शनि प्रवीण तिवारी साथ ही में प्रमुख रूप से उपस्थित होकर सहयोग दे रहे हैं। आज हमारी संस्था प्रारंभ नई सुबह के द्वारा यहां पर जो कोविड सेंटर केयर बनाया गया है बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया में, इसमें हम लोगों ने मरीजों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जल्दी स्वस्थ हो उसके लिए हम लोगों ने आज भाप की व्यवस्था की है। हमारी संस्था के लोग लगातार कोरोना महामारी में फ्रंट लाइन वर्करों के लिए, कोविड सेंटरों के लिए काम कर रहे हैं। ये काम हम लोग मध्य प्रदेश जन अभियान के अंतर्गत, मैं भी कोरोना वॉलेंटियर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है उसके तहत हम लोग करते हैं। अपनी जान की फिक्र किए बिना हम लोग लगातार सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। आज यहाँ पर हम लोगों ने जो भाप की मशीन लगाई है, इस तरीके से अभी और भी आगे प्रयास हम करते रहेंगे। इतना काम क्या न्यूज के लिए बिरसिंहपुर पाली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।